फ्रेंड्स, मैं शिवांगी शुक्ला और आप देख रहे हैं लव स्टोरी। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ इस लव स्टोरी शो में, जहाँ मैं बताऊँगी बॉलीवुड के एक ऐसे लव वर्ड्स के बारे में जो आज भी अपनी लाइफ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। जी, आज मैं बात करने वाली हूँ बॉलीवुड के अजय देवगन और काजोल जी की। जी हाँ, ये दोनों ऐसे लव बर्ड्स हैं जो एक दूसरे को बिना प्रपोज किए ही और आज इनकी लाइफ एक मैरिज में बदल गई। जी हाँ, तो वहीं पे बात करें अजय देवगन की, जब वो फिल्मों में आए तो उन्होंने एक्शन फिल्में भी की, वो भी सुपरहिट गई। और इसी के साथ साथ एक्शन ही नहीं, उनकी कॉमेडी फिल्म भी काफ़ी सुपर डुपर हिट रही है और वो आज भी फिल्मों में एक्टिव है। और वहीं बात करें काजोल की, तो वो भी कुछ कम नहीं है, सुपरस्टार एक्ट्रेसेस में से एक रही काजोल। आज भी वो फिल्मों में काफ़ी एक्टिव हैं और ये दोनों काफ़ी अच्छे पेयर्स हैं। जी हाँ, वही बात करते हैं, जब अजय देवगन ने अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की उस वक्त इनकी मुलाकात हुई थी करिश्मा कपूर से। जी हाँ, ये दोनों तब रिलेशन में थे। वहीं फिर धीरे धीरे इनका ये फिर रवीना टंडन को डेट करने लगे थे उस वक्त। फिर ऐसे ही धीरे धीरे इनका सफ़र चलता रहा और अजय देवगन के लाइफ में कई सारे स्ट्रगल भी आए, लेकिन उस वक्त इनका हाथ थामा था काजोल ने और तभी से इनकी लाइफ बदल गई। जी हाँ दोस्तों, ये है फिल्म जगत के ऐसे वो जोड़े जो दोनों ने अपने लव लाइफ को बिना कुछ एक दूसरे से कहे ही सब कुछ बयां करती है, जो आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और काजोल बॉलीवुड की सबसे सफल रियल लाइफ जोड़ियों में शुमार हैं। दोनों ने बॉलीवुड में कई फिल्में एक साथ की हैं। दर्शकों ने पर्दे पर काजोल की अजय के साथ जोड़ी को उतना प्यार नहीं दिया जितना उनकी और शाहरुख खान की जोड़ी को दिया, लेकिन फिर भी दोनों के फैंस उनके रियल लाइफ जोड़ी से काफ़ी मोहब्बत करते हैं। अजय और काजोल के बीच प्यार का पहला अंकुर फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान फूटा था। यह एक ऐसा दौर था जब काजोल बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी और अजय अभी ऐसा कुछ मुकाम हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज एक्शन हो या फिर कॉमेडी करनी हो, हर किरदार में अपने आप को बेस्ट साबित करने वाले अजय देवगन फिल्मी सफर में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें उनकी एक्टिंग के दम पर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। अजय की हर फिल्म के रोल इतने दमदार होते हैं कि लोग आज भी उनके किरदारों को याद करते हैं, चाहे उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म रेड हो या फिर गंगा जल, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह और वंस अपॉन अ टाइम इन अ मुंबई जैसी सुपरहिट फिल्मों में ज़बरदस्त एक्टिंग करने की वजह से उनके चाहने वालों की लिस्ट हमेशा बढ़ी ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं अजय देवगन की कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? तो चलिए जानिए कैसे अजय काजोल से मिलने के बाद बने एक कामयाब एक्टर। अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी बाकी प्रेम कहानियों से थोड़ी अलग है। वैसे अजय देवगन काफ़ी शांत इंसान माने जाते हैं, पर सेट पर उनसे कोई मजाक नहीं कर सकता। हालांकि अजय देवगन और काजोल एक दूसरे से काफ़ी ऑपोजिट हैं, पर बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स की टॉप लिस्ट में इनका नाम शामिल है। वहीं इसके बाद अजय और काजोल ने फिल्म इश्क, राजू चाचा, प्यार तो होना ही था, यू मी और हम और टूनपुर सुपर हीरो जैसी फिल्मों में साथ काम किया। समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर क्या, फिर दोनों ने 24 फरवरी 1999 को शादी कर ली। उस टाइम काजोल 25 की थी और उनका बॉलीवुड में करियर ऊंचाइयों की उड़ान भर रहा था और अजय देवगन का करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन काजोल के जितना नहीं। अगर इस कपल के बारे में यह कहे तो गलत नहीं होगा कि काजोल ने अजय का हाथ तब थामा था जब वो बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। एक इंटरव्यू में काजोल ने इस बात का खुलासा किया था कि वो ज़िंदगी और करियर में ठहराव चाहती थी, इसी वजह से उन्होंने शादी का फैसला लिया था। काजोल का कहना था कि शादी का फैसला लेने से पहले उन्हें बॉलीवुड में काम करते हुए लगभग 9 साल हो गए थे। हर साल 4 से 5 फिल्में आ रही थी, सब कुछ था, पैसा, शोहरत और कामयाबी, पर खुद के लिए ना वक्त था और ना सुकून। एक बड़ा फैसला लेने का वही सही वक्त था। उस टाइम काजोल ने तय किया कि वो उसी से शादी करेंगी जिससे वो प्यार करती हैं और सही टाइम पर करेंगी।
अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी में सबसे अजीब बात यही है कि दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था, लेकिन दोनों को ही पता था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसी लव स्टोरी तो बॉलीवुड में किसी और की नहीं होगी। अजय और काजोल की शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन काजोल ने अजय को उस वक्त अपना हमसफर चुना था जब अजय फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। अजय और काजोल के करीब आने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ आपको बता दें कि काजोल और अजय फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आए और देखते ही देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। साल 1999 में दोनों ने शादी कर ली। बॉलीवुड के स्टार कपल के दो बच्चे नयासा और युग हैं। आपको क्या लगता है, काजोल अजय देवगन का पहला प्यार थी? बॉलीवुड में हीरो हीरोइन के बीच अफेयर और ब्रेकअप की खबरें हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन ऐसी प्रेम कहानियों के बारे में लोग कम ही जानते हैं जिसमें दोनों प्रेमी जोड़े शादी से पहले किसी और को चाहते थे। अजय और काजोल की लव स्टोरी की शुरुआत तब हुई जब अजय फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन काजोल एक खास मुकाम बना चुकी थी। फूल और कांटे में अभिनय कर चुके अजय का नाम कभी बॉलीवुड की नंबर वन अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ जुड़ा था। बॉलीवुड सूत्रों की माने तो यह जोड़ी उस दौरान सबसे हॉट जोड़ी मानी जाती थी। उस दौरान की मीडिया खबरों की माने तो जब करिश्मा अजय के जीवन में आई तब अजय रवीना टंडन को डेट कर रहे थे, मतलब अजय काजोल से पहले करिश्मा और रवीना टंडन को डेट कर चुके थे। बॉलीवुड के सबसे मशहूर कपल अजय और काजोल के दो बच्चे हैं, बेटी का नाम नयाशा देवगन है और बेटे का युग देवगन। हालांकि दोनों को कई बार मम्मी पापा के साथ स्पॉट किया गया है, लेकिन माँ पिता हमेशा इन्हें इस स्पॉटलाइट से छिपाकर ही रखने की कोशिश करते हैं। बच्चों को मीडिया से दूर रखने का फैसला अजय और काजोल ने आपसी सहमति से लिया है। काजोल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लगा कि बच्चों को बेवजह के दबाव से दूर रखना चाहिए। वह नहीं चाहती कि उनके कारण बच्चों को मीडिया और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक दबाव से जूझना पड़े। यह उनकी च्वाइस है कि वो क्या बनना चाहते हैं, बस हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म देंगे कि जिस पर वह खड़ा होना चाहते हैं। बच्चों को उनका बचपन जीने देना चाहिए। तो देखा दोस्तों, ये हैं बॉलीवुड के ये लव बर्ड्स जिन्होंने एक दूसरे के साथ अपने लाइफ में कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन आज ये काफ़ी खुशहाल हैं। जी हाँ, वही काजोल अपने ज़माने की सुपरस्टार रहीं जिन्होंने अजय देवगन का हाथ तब थामा था जब वो स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, और आज अगर कहा जाए तो अजय देवगन काजोल की वजह से ही काफ़ी सक्सेस हैं, और दोनों अभी भी फिल्मों में एक्टिव हैं। जहां अजय देवगन ने अभी हाल ही में आपने देखा होगा दे दे प्यार दे, और इनकी पहले की फिल्म थी गंगाजल, ऐसी कई फिल्म्स हैं जिनमें इन्होंने काफ़ी काम किया है। और वहीं काजोल भी फिल्मों में भी एक्टिव हैं, और इसी के साथ इनके दो बच्चे भी हैं जिनमें नयासा काफ़ी ब्यूटीफुल हैं और वो अपने मम्मा के साथ हमेशा स्पॉट की जाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस खबर में इतना ही। ऐसे ही कुछ और चटपटी खबरें हम आपके साथ लाते रहेंगे, तब तक के लिए हमारा ये स्पेशल शो ज़रूर देखते रहिए, और इसी के साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चश्मा भी नहीं है और लाइट भी है। आपसे यही सवाल रहेगा कि ईला और अगर हम बात करें काजोल की, तो दोनों ही बहुत खूबसूरत मॉम हैं, क्या सिमिलैरिटी है और आज के दौर में कितना जरूरी है ईला जैसी मॉम बनना? ईला जैसी मॉम बनना, आई थिंक मोस्ट मदर्स आर लाइक ईला। हमारी जो इंडियन मॉम है, आई थिंक इंडियन मॉम्स आर जनरली ऑल ऑफ अस आर ईला। आई मीन वी आर एट बेस ईला, वर्जन्स डिपेंड वेरी करता है कि इतनी पूरी तरह से है कि मतलब 50% तक है, बट वी आर ऑल ईला। वी ऑल आर कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड विद आवर चिल्ड्रन एंड वी आई डोंट थिंक दैट दैट्स गोइंग टू चेंज। वो मेरे को लगता है ये मतलब अगले 200-300 साल तक मैं नहीं देख सकती हूँ कि ये चेंज होने वाला है, और आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी विथ वॉट वी आर।